और वसीम रिजवी तुझे सुप्रीम कोर्ट ने 50,000 का फाइन डाला, फटकार लगाया, तुझे समझ में नहीं आया? अभी मैं बंगाल से तेरे ऊपर FIR करने वाला। तो क्या यही चीज तो गीता कहता है, यही चीज तो कुरान कहता है? अब तू अगर कुरान को गलत कहेगा तो गीता को भी गलत कहेगा तू? तो मैं पढ़ के बोल रहा हूं दोस्तों, और पढ़ के मैं ये भी बोल रहा हूं कि कुरान में यह लिखा है कि अल्लाह अत्याचार को पसंद नहीं करता, अल्लाह न्याय को प्यार करता है। तो जब अल्लाह न्याय को प्यार करता है, अत्याचार को पसंद नहीं करता, तो किस तरह से ये कह रहा है कि गैर मुसलमानों पे अत्याचार करो? दोस्तों नमस्ते, मेरा नाम रविकांत भारती है। और दोस्तों जो वसीम रिजवी है और यति नरसिंहानंद सरस्वती हैं, ये लोग नीचता की प्रकाष्ठा पार कर रहे हैं। हरिद्वार में हाल में ही वसीम रिजवी और यति नरसिंहानंद मिलके मैं देखा कुछ लोगों के बीच भाषण दे रहे हैं, और जब वह भाषण आप सुनेंगे तो वह भाषण बहुत ही शर्म देने वाली वो भाषण है। इसमें वसीम रिजवी कहता क्या है दोस्तों, कहता है कि कुरान के पहले ही पाठ जो बच्चों को पढ़ाया जाता है उसमें लिखा है कि गैर मुसलमानों से दूर रहो, लिखा है कि गैर मुसलमानों को कत्ल करो, गैर मुसलमानों के साथ गलत व्यवहार करो, उनके ऊपर अत्याचार करो, उनको मुस्लिम बनने पे मजबूर करो, इसके लिए जजिया टैक्स लगाया गया, इस तरह की ओछी बातें वसीम रिजवी कर रहा है। यहां तक कि नहीं, यह वसीम रिजवी कह रहा है कि मैंने कुरान का अध्ययन बंद करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल किया और सुप्रीम कोर्ट ने उस पिटीशन को खारिज किया, मुझे फटकार लगाया और मेरे ऊपर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया। सुप्रीम कोर्ट भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है, भारत के संविधान के अनुसार देखिए इस गद्दार को क्या सजा मिली, फिर भी इसकी बुद्धि खुल नहीं रही है। यह कह रहा है कि कुरान में बच्चों को पहले पाठ में ही पढ़ाया जाता है गैर मुसलमानों से दूर रहो, गैर मुसलमानों का कत्ल करो। मैं इसको बता दूं, गैर मुसलमानों पे अत्याचार करो, मैं इसको बता दूं कि कुरान में बहुत जगह मैं तुझे दिखा दूंगा। तुझे लगता है मैं रविकांत भारती हवा हवाई आदमी हूं, तो देखे तेरे सामने मैं दिखा रहा हूं वसीम रिजवी, यति नरसिंहानंद, ये देख लो ये क्या है, ये भागवत गीता है, देख लो ये क्या है, ये भागवत गीता है, ये पूरा मैं रूम दिखा दूंगा ना किताबों से, भागवत गीता की किताबें इतनी हैं। तो मैं पढ़ के बोल रहा हूं दोस्तों, और पढ़ के मैं ये भी बोल रहा हूं कि कुरान में यह लिखा है कि अल्लाह अत्याचार को पसंद नहीं करता, अल्लाह न्याय को प्यार करता है। तो जब अल्लाह न्याय को प्यार करता है, अत्याचार को पसंद नहीं करता, तो किस तरह से ये कह रहा है कि गैर मुसलमानों पर अत्याचार करो? यह कह रहा है कुरान में लिखा है कि गैर मुसलमानों की कत्ल करो, ये बताओ भागवत गीता में लिखा है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापना थाय संभवामि युगे युगे। ये कहां लिखा है? भागवत गीता में। यति नरसिंहानंद, तू जो अपना कुत्ता लेके जगह जगह भौंक रहा है ना, तू मेरी बात को सुन। इसका मतलब होता है भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं स्वयं अवतार लेता हूं। किस लिए अवतार लेता हूं? जब धर्म संकट में रहता है, जब जो है अच्छे लोगों पे अत्याचार होता है, तो मैं जन्म लेकर और जो दुष्टों का नाश करता हूं और अच्छे लोगों की रक्षा करता हूं, और उसके बाद धर्म की संस्थापना करता हूं और चला जाता हूं। भागवत गीता में जो बात ये कही गई है, वही बात जो है कुरान के सूरे तौबा में कहा गया है। अगर कोई आपके यहां पे चाकू रख दे, तलवार रख दे, तो आप कहेंगे मेरा गला काट दो कि सेल्फ डिफेंस करेंगे? अगर आप सेल्फ डिफेंस कर रहे हैं तो क्या ये गलत है? भागवत गीता में कह रहा है कि अगर कोई आपके ऊपर अत्याचार कर रहा है तो उसको उससे लड़ो, तो ये क्या बात गलत है? भारत का संविधान कह रहा है कि कोई बंदूक यहां रखा हो तो सेल्फ डिफेंस में उसको मार दो, क्या यह बात गलत है? तो तुझे तो न भारत के संविधान पढ़ा है, न तू भागवत गीता पढ़ा है वसीम रिजवी, न तू कुरान पढ़ा है, मुंह उठाया और यति नरसिंहानंद सहारा दे रहा है, योगी सरकार और मोदी जी सहारा दे रहे हैं, और तू जो है भौंकता चला जा रहा है। मैं कहूंगा भारत के मुसलमानों से, यह समय धैर्य रखने की है। वोट के समय आप अपना गुस्सा उतारिए, अभी उतारेंगे तो क्या होगा, जो है वोट जो है पोलराइज होगा, और ये लोग गेम खेल रहे हैं यति नरसिंहानंद और वसीम रिजवी। ये कह रहा है कि जजिया टैक्स लगा, इस गधे को बता दे, ये बता, कोई एक राजा है मुसलमान, मुसलमानों से 2.5% जकात ले रहा है, कितना परसेंट जकात ले रहा है? 2.5%, और उसका आधा 1.25% अगर जजिया टैक्स लिया तो अत्याचार हो गया।
तुम चाहोगे कि राजा तुम्हारा रोड बनाए, तुम चाहोगे राजा तुम्हें सब सुविधा दे। राजा सब सुविधा देगा तो कहां से पैसा लाएगा, अपने घर से देगा क्या? राजा तो टैक्स लेगा ही, और वो टैक्स सोचिए, मुसलमान हो तो 2.5%, हिंदू हो तो तुमको 1.25% देना, तो ये अत्याचार कहा जाएगा क्या? इसको कुछ पता नहीं है, बस यह मुंह खोलता है और केवल दंगे भड़काने का कार्य कर रहा है वसीम रिजवी यति नरसिंहानंद। यति नरसिंहानंद के चेले मुझे धमकी दे रहे हैं कि मुझे उठवा लेंगे। मैं किस जिले में हूं? मैं ताल ठोक के कहता हूं मैं भदोही जिले में हूं। मुझे उठवा लो, औकात है तो आओगे ना यहाँ पे यति नरसिंहानंद, भदोही जिले में। मैं बता रहा हूं, इतना मैं बनाया हूं कि यहाँ के हिंदू भाई ही तुम्हें बैठा लेंगे, और बैठाने के बाद पुलिस कोर्ट सारा स्वागत तुमका करवाएंगे, और अंदर करवा के तब वो लोग चैन लेंगे। औकात है तो तुम यति नरसिंहानंद चढ़ो। तुम तेरा सरस्वती छिनवाया तू भूल गया है? यति नरसिंहानंद अब गिरी लिखवाने लगा, और गिरी लिखवा के तू वसीम रिजवी जैसे लोगों को। और यह वसीम रिजवी क्या कह रहा है? यह कह रहा है कि मुझे कोई गला काट दे। मोहम्मद साहब के बारे में अनाप शनाप किताब लिखा है, उसमें लिखा है वो लालची थे, वो गलत थे, वो ये थे। कह रहा है कोई मेरा गला अगर काट दे दोस्तों, तो मुझे चीते पे जलाना, तुझे चीते पे जलाना। और यति नरसिंहानंद में कह रहा है कि सन्यासी तो चीता पे आग नहीं देते, लेकिन मैं सन्यास धर्म को छोड़ दूंगा और तुम्हारे चीते पे आग दूंगा हाथ में तलवार लेके, और मैं मुसलमान मौलाना सबको काट दूंगा। यति नरसिंहानंद के चेलो, क्या एक सन्यासी का ये भाषा है? गुरु गुरु कह रहे हो, अपने गुरु जी को पहले सुधारो। इस तरह की जो है दंगा भड़काने वाला, नफरती बात करने वाला। और यति नरसिंहानंद, मैं तो अभी गीता और इन सब की बातें करूंगा, मेरे मुंह से ओछी बातें शोभा नहीं देती, लेकिन अगर वसीम रिजवी हिंदू बन गया है, मैं तो कहता हूं नकली हिंदू तू भी है वो भी है, अगर असली हिंदू बन गया है तो तू अपने घर शादी करवा देना, अपने भतीजी उतीजी से शादी करवा दे उसका। शुद्ध हिंदू बना है तो शुद्ध हिंदू का परिवार तो चलना चाहिए, उसका परिवार तो छोड़ गया, शादी करवा दे अपने घर, शादी करवा दे ताकि उसके बाल बच्चे हों तो फ्यूचर में भी दिखाते रहेंगे कि ये असली हिंदू का औलाद था। तुम उसको किस जात में रखोगे? ब्राह्मणों के घर शादी करवाओगे उसका? तुम उसको राजपूत में शादी करवाओगे? तुम उसका गोस्वामी में शादी करवाओगे? तुम उसका किस जाति में शादी करवाओगे? उसका जात क्या दोगे? और योगी आदित्यनाथ, आप इन लोगों को इतना छूट दे के रखे हैं, अंदर नहीं कर रहे हैं। जो बंदा लिख रहा है त्रिपुरा चल रहा है उसको अंदर, और इन बंदों को इतना छूट दे के रखे हैं। आपने तो प्रयागराज का नाम इलाहाबाद का नाम प्रयागराज किया, मुगलसराय का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय किया, तो आपने जो नाम किया है, क्या ये वसीम रिजवी का नाम हिंदू नहीं देंगे? और देंगे तो कास्ट क्या देंगे? किस तरह के जाहिल जो है यति नरसिंहानंद कार्य कर रहा है, इसको शायद पता नहीं क्या कर रहा है। ये वसीम रिजवी कह रहा है कुरान में लिखा है काफिरों को जहां देखो मार दो। अरे यार, काफिरों को जहां देखो मार दो, अगर कुरान में यह बात लिखा हुआ है तो दिखा मुझे। वहां कहा गया है कि जो तुम्हारे गर्दन पे तलवार लाए तो उसकी कत्ल करो, जो तुम्हारे जान को मारने के लिए षड्यंत्र करो तो उसकी कत्ल करो। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण भी यही कह रहे हैं कि सेल्फ डिफेंस में लड़ाई लड़ो, यही बात कह रहे हैं यदा यदा ही धर्मस्य में। एक मुसलमान बंदा यदा यदा ही धर्मस्य पढ़ रहा था, सुना ये है असली हिंदुस्तान, तुझे थोड़ा सा भी इन सारी चीजों से पता नहीं। आप मोहम्मद साहब के बारे में तू क्या कह रहा है कि मोहम्मद साहब कबीले को अत्याचार किए? पता है उनके तलवार पे क्या लिखा था जिससे लड़ाई हो रही थी? मैं शांति चाहता हूं। भगवान श्री कृष्ण भी क्या कहा है? परित्राणाय साधु नाम विनाशाय चतुष्कृताम सम धर्म संस्थापना था संभवानी युगे युगे। मतलब मैं दुष्टों को कत्ल करता हूं, अच्छे लोगों को बचाता हूं, और उसके बाद शांति स्थापित करके चला जाता हूं। तो ये जो शांति मोहम्मद साहब जो लिखे थे तलवार पे, मैं शांति चाहता हूं, और शांति स्थापित उन्होंने पूरे अरब अरब में किया, और उसके बाद जो है उनकी देहांत हुई, तो क्या यही चीज तो गीता कहता है, यही चीज तो कुरान कहता है? अब तू अगर कुरान को गलत कहेगा तो गीता को भी गलत कहेगा तू? जिस तरह का तू आदमी है वसीम रिजवी, थोड़ा सा भी तुझे बुद्धि है कि नहीं? मोहम्मद साहब को तू बोल रहा है लुटेरा थे, और थे बोलता तो चलता, मोहम्मद साहब को तू बोल रहा है लुटेरा था। क्या बंदा है यार लुटेरा था? मोहम्मद साहब 40 वर्ष में पैगंबर बने, तुझे पता है 40 वर्ष में? उनका एक नाम है अमीन। अमीन का मतलब जानता है क्या होता है? अमानत को जो सही सलामत रखे। इतने ईमान वाले थे, अमीन उनका नाम था। उनके पास अगर एक नोट छोड़ दो, 10 वर्ष बाद आओ नोट वही पाओगे। उनके पास एक सोना छोड़ दो, 10 वर्ष बाद आओ सोना लेके जाओ। जो बंदा इस तरह का जो है ईमान रखा था, उसका नाम भी अमीन बन गया मोहम्मद साहब का नाम।
दूसरा मोहम्मद साहब का नाम सादिक है। सादिक का मतलब तू जानता है क्या होता है? सत्य को बोलने वाला। महात्मा गांधी ने भी तो सत्याग्रह किया, लेकिन यह युग महात्मा गांधी और अच्छे लोगों का नहीं है, यह युग जो है नफरतबाजों का है। ऐसा भारत में राजनीतिक माहौल कर दिया गया है, मुझे बहुत ही आश्चर्य होता है। दोस्तों आप लोगों को एक बात और बता दूं, मोहम्मद साहब की जिंदगी पढ़े देखे वसीम रिजवी, एक किताब को 5 बार पढ़ना, इसका नाम है अर रहीकुल मखतूम मुबारकपुरी। मोहम्मद साहब की जिंदगी है, 5 बार पढ़ना तू कम से कम, तब तेरा बुद्धि खुलेगा तू क्या कर रहा है। मोहम्मद साहब आपको बता दें कि जब जाते थे बबूल उबूल जो काटेदार थे लकड़ियां वो चुनते थे और उससे खाना बनाते थे, तो जो लकड़ी अपने मेहनत से काट के लाए हैं अपना खाना बन जाने के बाद दूसरों को बांट देते थे, क्या यह बात पता है तुझे? और वसीम रिजवी, तुझे सुप्रीम कोर्ट ने 50,000 का फाइन डाला, फटकार लगाया, तुझे समझ में नहीं आया? अभी मैं बंगाल से तेरे ऊपर FIR करने वाला और तुझको मैं अच्छे से बंगाल दौरा करवाऊंगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस बार 50,000 का फाइन लगाया है ना, इस बार जब मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो तेरे ऊपर उम्र कैद होगा तेरा, या कई वर्षों जेल में सड़ेगा। इसलिए कह रहे हैं कि ये जो मोहम्मद साहब के बारे में जो मुंह खोल के जहर उगल रहे हो, लुटेरा सुटेरा क्या क्या बोल रहे हो, थोड़ा यार जबान को लगाम लगाओ यार। तुम किसी भी धर्म, हमारे हिंदू धर्म के भगवान श्री कृष्ण को कोई कुछ बोले, हमारे हिंदू धर्म के बारे में किसी देवता के बारे में कोई कुछ बोले, मुझे भी बुरा लगेगा और मैं सामने वाले को समझाने का प्रयास करूंगा कि यह बात गलत है। हालांकि हिंदू धर्म में कहा गया है कि अज्ञानी लोग हैं उनको समझाओ, और यही बात कुरान में भी कहा गया है कि सबसे विनम्र से पेश आओ, अपने अखलाक को अच्छा करो, अपने ऐसा चरित्र करो कि लोग तुमसे प्रभावित हों। कभी भी ये नहीं कहा गया है कि मारो काटो तो ये करो। जाजिया टैक्स अत्याचार है, 2.5% जकात देना अत्याचार नहीं है? जब मुसलमान 2.5% जकात दे रहा है, तू देख रहा है उसी राज्य में, और वहां 1.25% हिंदुओं से टैक्स ले लिया गया, तो तुझे वसीम रिजवी जकात जजिया का याद आ गया? सुधर जा तू।